नमस्कार हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सी आई ई टी एन सी आर टीज़ लाइफ ऑन इन इंटरक्टिव प्रोग्राम मैं हूं तन्वी खुराना और ये है हमारी आज की एक बेहद ख़ास सीरीज़ स्टोरी टेलिंग ये सीरीज शुरू हुई थी कल और आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और यह चलेगी फिफ्टी ऑफ जून तक बहुत सारी कहानियां आप तक पहुंचाई जाएंगी बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी रोज एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे और ये जो सीरीज है ये पार्ट है जन भागीदारी जिसे हम कहेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशन विद जी ट्वेंटी इनिशियटिवी खुराना और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई e विद्या चैनल नंबर सिक्स चैनल नंबर एट चैनल नंबर 11 पर और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल एन Official पर भी अगर आपके पास कोई सवाल हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए हम आपको बताना चाहेंगे आज हम बात कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग पर और जो कहानी है वो है चूहे की पूछ सुनो कहानी चूहे की पूछ अब ये कहानी कैसे इतनी दिलचस्प है क्यों सुननी चाहिए बच्चों को ये आपको हमारी मेहमान बताएंगी और कहानियाँ आप सभी ने ज़रूर सुनी होंगी बचपन में बड़े होकर भी चाहे वो रामायण या महाभारत के समय की कहानियाँ हो या फिर चूहे बिल्ली की या हाथी और चीटी की सभी कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं दादी नानी नाना जी मम्मी सभी कहानियाँ सुनाते हैं पर ये जो कहानी सुनाना है वो एक कला है कहा जाता है कि ये एक आर्ट है अब इस आर्ट को सभी को आना हो ये तो ज़रूरी नहीं है तो इस कहानी को किस तरह से सुनाया जा सकता है किस तरह से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है ये भी आपको हमारी मेहमान बताएंगी अगर कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचाइए फोन कर सकते हैं नंबर है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ और बहुत सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं चलिए आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे आज की मेहमान से वी अ लिटिल बिट अबाउट मैम शी इज अ वेल नोन स्टोरी टेलर एंड टीचर ट्रेनर बेस्ड इन डेली मैम इनोवेटिव और क्रिएटिव और उनके पास ट्वेंटी ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैम है एक पैशनेट मीडिया प्रोफेशनल टर्नड एजुकेटर और इस वक्त मैम हेड कर रही हैं शी इज़ द क्रिएटिव हेड ऑफ स्टोरी घर एंड चेष्टा केयर फाउंडेशन अब मैम को ये कला आती है स्टोरी टेलिंग की अगर आप भी हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जरूर जुड़िए इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें हम आपको बताना चाहेंगे दैट वी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज्यूम्ड जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द जी ट्वेंटी समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिसर दट इजी ट्वेंटी थ्री a nation deeply committed to democracy or multilateralism india's g20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding the global pragmatic solutions for the well-being of all and in doing so manifest its true spirit of vasudhaiva kutumbakam or should i say the world is one family वसुधैव कुटुम्ब कम ट्रांसलेट्स टू वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और यही है हमारी जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी का थीम एंड uh, हम आपको एक जानकारी और भी देना चाहेंगे uh, ये जो समिट है ये कंक्लूड होगा कुछ सीरीज ऑफ मीटिंग्स के साथ थ्रू आउट द ईयर मतलब जब तक हमारे पास प्रेसिडेंसी है तब तक ये सीरीज चलती रहेगी और uh, बहुत सारे शहरों में ये मीटिंग्स होंगी जैसे कि कोलकाता खजुराहो इंदौर गुवाहाटी जोधपुर लखनऊ मुंबई पुणे एंड रन ऑफ कच्छ सूरत उदयपुर एंड आल्सो तिरुवनंतपुरम तो बहुत कुछ है जी ट्वेंटी के बारे में हमें जानने के लिए और ये जो ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज़ है ये किस तरह से मीटिंग्स करती हैं किन किन इंपॉर्टेंट थीम्स पर मीटिंग करती है और ये जो जन भागीदारी है जिसे हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टिसपेशन फी ट्वेंटी इनिशिएटिव्स आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी इस ग्रुप के द्वारा चलिए uh, मैम से पूछते हैं हमारा पहला सवाल और इस बातचीत को शुरू करते हैं और uh, हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम uh, हम 2023 में रह रहे हैं और uh, बच्चे आजकल हर चीज़ uh, ना टेक्नोलॉजी के थ्रू देखना चाहते हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन है yes. टैबलेट है yes. आईपैड है तो आपको क्यों लगता है कि आज के ज़माने में भी कहानी सुनना और सुनाने का जो तरीका है वो यू नो उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि पहले ज़माने में रखता था बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि टेक्नोलॉजी से बच्चे इतने ज़्यादा रूबरू रहते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया है और उन्हें मूविंग चीज़ें देखनी है गेम्स खेलने हैं या फिर अब कोविड के दौरान तो एजुकेशन भी सारी ऑनलाइन हो गई कोविड से पहले हम बच्चों से कहते थे कि मशीनरी से दूर जाओ टेक्नोलॉजी से दूर जाओ एक दूसरे से जुड़ो कहानियाँ सुनो सुनाओ कम्यूनिटीज़ बिल्ड करो पर कोविड uh, के दौरान हमने कहा कम बैक टू मोबाइल फ़ोन एंड कम बैक टू योर वीडियो स्क्रीन्स हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं तो ये एक परिवर्तन आया हैविंग सेट दैट स्टोरीज़ हैव गॉट ग्रेट पावर्स बेस्ट चीज़ सबसे ज़्यादा कहानियों की ये होती है कि कहानियाँ इमेजिनेशन इग्नाइट करती हैं अटेंशन बच्चे का बढ़ाती हैं लिसनिंग स्किल्स बढ़ाती हैं तनवी ये बात तो आप भी मानोगे कि हम कहानियाँ सुनते नहीं कहानियाँ देखते हैं hmm. जो जो कहानी का घटनाक्रम है जिस जिस तरह से उसका वर्णन होता रहता है उसी सीक्वेंस में कहानी सुनने वाला अपने मस्तिष्क में उसे देखता रहता है अभी भी अगर आप बच्चों को बिठाएं अपने पास और उन्हें हाव भाव अभिनय के साथ प्यार से कहानी सुनाएं तो हर बच्चा कहानी सुनेगा बशर्ते आपकी कहानी बच्चे की एज और बच्चे की समझ उसके अनुभव संसार से जुड़ी हो बिल्कुल पर मैम कहानी जब बच्चा समझता है उनके मस्तिष्क में जो एक पिक्चर बन जाती है उसका थोड़ा सा क्रेडिट तो कहानी सुनाने वाले को भी जाता है बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है <laughs> <laughs> आप कहानी सुना कैसे रहे हैं अब जैसे कि आपने जब आप परिचय दे रही थी तो आपने कहा कि कहानी में कहानी सुनाना एक कला है हर कोई कहानी नहीं सुना सकता पर यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगी कि कहानी हर कोई सुना सकता है वी ऑल आर बॉन्स स्टोरी टेलर्स हम होमवर्क करके नहीं जाते हैं टीचर पूछती है बेटा होमवर्क करके क्यों नहीं आए तो बच्चा क्या सुनाएगा कहानी <laughs> आपको यहाँ पर टाइम पर पहुँचना है आप एंकर कर रही हैं आप कहीं फंस गई आप दो मिनट पाँच मिनट लेट हो गई आपसे पूछा गया कि तन्वी आप

तो आपके दिल की बात सुनने वाले के दिल तक जरूर पहुंचती है बिल्कुल और मुझे लगता है जो स्टेज पर प्लेज होते हैं या जो हम पिक्चरें देखने जाते हैं थिएटर में वो भी तो एक कहानी बिल्कुल कहानी है, है।, है। इवन न्यूज़ चैनल पर जो आप न्यूज़ देखते हैं वो भी एक स्टोरी है थिएटर पर स्टोरी है एडवर्टिजमेंट्स आर स्टोरीज एंड जो आप पढ़ते हैं वो कहानियाँ जो सिनेमा में देखते हैं वो कहानियाँ बिल्कुल तो चलिए आज हम जिस कहानी पर बातचीत करने वाले हैं चूहे की पूछ उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं यस yes, आपने ना परिचय में बोला था कि चाहे वो हाथी या चींटी की कहानी हो चाहे वो चूहे और बिल्ली की कहानी हो जब हम चूहे का नाम लेते हैं तो यकायक बिल्ली का जो एक चेहरा है वो बहुत ही स्वाभाविक रूप <laughs> से आंखों के सामने आ जाता है तो ये कहानी भी वैसी ही है तो शुरू करें तन्वी बिल्कुल मैम तो बिना वक्त जाया किए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी अब थोड़ा तो हम आपको बता ही चुके हैं पर थोड़ा सा और मजे से बता दें कि आज की कहानी है एक ऐसे जीव के बारे में जो बिल में रहता है जिसके पहने दांत हैं और जो चीजें कुतर कुतर के हमारा जीना मुहाल कर देता है तनवी कौन चूहा चूहा फुस 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 चूह फुस फुस फुस, फुस। चूह पुस फुस पुस चूहा पुस फुस पुस गाँव में जाता पता लगाता गेहूं के बोरे में सेंध लगाता चूहा पुस फुस पुस चूहा पुस फुस पुस कुतर कुतर के दानों को कर देता तुस 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 चूह पुस तुस तुस तुस। फुस पुस चूहा पुस फुस पुस तो ये कहानी है एक चूहे के बारे में तो बहुत समय पुरानी बात है एक बड़ा सा घर था और उस घर के रहने वालों का जीना मुश्किल किया हुआ था एक चूहे ने अब घर वाले उस चूहे से बहुत तंग थे घरवाले लेकर आए चूहेदानी चूहा ना फंसा घर वाले लेकर आए, ले आए दवाई चूहा न गया आखिरकार सोचो तनवी घर वालों ने क्या किया होगा हम्म झाड़ू मारा नहीं घर वाले लेकर आए एक बिल्ली ओ। अब जब आगे घर में बिल्ली तो चूहा दुबक के छुप गया अपने बिल में अब वो दो दिन तक तो छुपा रहा फिर तीसरे दिन उसे लगा डर के आगे जीत है मैं कब तक अंदर छुपा रहूंगा चूहा आया अपने बिल से बाहर हुँ। बिल्ली हुँ। आराम से पसर के बैठी थी सुस्ता रही थी चूहा उसके बाएं से गुजरा बिल्ली ने एक आँख खोली देखा फिर आँख बंद कर ली उसका पेट भरा हुआ था फिर चूहा दाएं से गुजरा बिल्ली ने फिर आँख बंद कर ली चूहे को जोश आया उसे लगा मैं तो और मस्ती कर सकता हूँ और नतीजा चूहे ने गाना गाना शुरू कर दिया चिकलक चिकल चिकुक अब बिल्ली को आया गुस्सा ये बात है बिल्ली ने गहरी सांस भरी पंजा उठाया और चूहे को पकड़ लिया अब चूहा फंस गया बिल्ली के पंजे में अब वो इधर खिसका उधर खिसका स्लिप होता 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 चूहा तो बाहर निकल गया पर उसकी पूछ आ गई बिल्ली के हाथ में अब बेचारा सोचो बिना पूछ वाला चूहा कैसे अपनी जिंदगी बिताए उसने कहा बिल्ली रानी बिल्ली रानी मुझे मेरी वापस कर दो बिल्ली ने कहा जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल पहले पंगा लेता है अब मांगता है अपनी टेल प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज 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 मुझे प्लीज, मेरी टेल वापस कर दो अगर तुझे अपनी टेल इतनी प्यारी है तुझ तो जा मेरे लिए दूध लेकर आ जा अब चूहा हैरानी में पड़ गया मैं दूध कहां से लेकर आऊं तो बताओ तनवी चूहे को दूध कहां से मिलेगा रसोई से नहीं। नहीं और सोचो कौन है जो दूध लेकर आता है या जो दूध देता है गाय

अच्छा दूध चाही तो ऐसा करो हमारी मेहरारू की खातिर केक लेकर आ और दूधान से ले जा अब मुझे केक कौन देगा बताओ तनवी केक कौन देगा केक बेकरी शाबाश बहुत बढ़िया चूहा गया बेकर के पास और बेकर के पास जाकर उसने कहा अकड़ बकर मम्मी बिल्ली के बिल्ली मांगे दूध दूध वाला मांगे केक तू मुझे केक दो केक में दूध वाले को दूंगा दूध वाला मुझे दूध देगा दूध में बिल्ली को दूंगा बिल्ली मुझे मेरी पूजा मुझसे करती की बेकर ने कहा अरे फ्री में तो मैं अपने पापा को कुछ ना दूं तुझे कैसे दे दूं प्लीज मुझे केक दे दो ना अच्छा एक काम कर मेरी ना पत्नी की चिट्ठी आनी तू मुझे चिट्ठी लाकर दे दे और केक मुझसे ले जा तो अब तन्वी ये बताओ चिट्ठी कौन देगा चिट्ठी देगा डाकिया शाबाश डाकिया डाक लाया डाकिया डाक लाया चूहा गया डाके के पास और डाके के पास जाकर उसने वही गुहार लगाई

तब तक तू ऐसा कर मेरी कमीज ले आ मैंने अपनी कमीज जो है वो सिलने को दी है अब मुझे कमीज कहाँ से मिलेगी कहाँ दी है तुमने सिलने को तो बताओ लोग कमीज सिलने को कहाँ देते हैं टेलर के पास शाबाश और चूहा गया टेलर के पास और टेलर के पास जाकर उसने यही कहा अकड़ बकड़ मम्मी बाबा प्लीज मेरी हेल्प कर भाई मैंने पहली बार ऐसा नजारा देखा है कि एक छोटा सा चूहा जो बात भी करता है तरक्का नगा के तो सुनाओ सोचा था काले चोर ले गए नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए खुश हो गया गाना सुनकर टेलर और टेलर ने क्या दिया टेलर ने दी कमीज कमीज लेके बताओ तनवी चूहा कहाँ गया डाकिया के पास भाग गया टाके के पास गया टाके के पास जाकर उसने कहा अब तो मेरी देखो तुम हेल्प कर दो तुमने शर्ट मांगी थी शर्ट मैंने दे दी हाँ मुझे मिल गई है चिट्ठी, बेकर की पत्नी के गई है, और बेकर से बोलो उसे लेने जाए और प्यार से मना लाए अच्छा कह दूंगा अब कहाँ गया बेकर के पास बेकर को दी उसने चिट्ठी और बेकर ने क्या दिया केक। लेकर गया किसके पास दूध वाले के पास दूध वाले ने क्या दिया दूध और दूध लेकर आखिरकार अब तो देखो मैं तुम्हारे लिए दूध ले आया हूँ अब तो मुझे मेरी पूछ वापस कर दो ऐसे कैसे पहले दूध दे नहीं पहले मेरी तेल पहले दूध मेरी तेल दूध अच्छा ले लो। बिल्ली ने दूध का प्याला अपने हाथ में लिया नम 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 चट कर गई। उसके बाद चूहे ने कहा अब तो दे दो मुझे मेरी टेल तो बिल्ली ने कहा ऐसी बात है ये ले ये ले ये ले और चूहे ने पकड़ ली अपनी दुम और दुम पकड़ने के बाद चूहे का क्या हुआ यह कहानी फिर कभी <laughs> तो ये तो थी हमारी चूहे की कहानी तनवी तुम मुझे यह बताओ इस कहानी में तुम्हें चूहा ज्यादा अच्छा लगा या बिल्ली ज्यादा अच्छी लगी मैम मुझे सभी लोग बहुत अच्छे लगे पर जो सबसे अच्छा लगा वो था चूहा नटखट चूहा चूहे के साथ नटखट शब्द ना अपने आप ही जुड़ जाता है और इसके साथ साथ आपने देखा कि हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी आसान करते हैं हमारे आसपास पास मिल्क मैन है दूध वाला है जिसे दूधिया भी बोलते हैं जो दूध देता है और कन्फेक्शनरी या बेक, बेकरी शॉप से आपको केक मिलता है हालांकि ई और मैसेज का ज़माना है चिट्ठी का अपना एक अलग चार्म है डाकिया चिट्ठी देता है और टेलर हमें कमीज़ या हमारे कपड़े सिलकर देता है अब एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए क्या तन्वी हमारे पास समय है बिल्कुल माँ तो हम बनाएंगे एक चूहा यूजिंग सम शेप्स तो सबसे पहले आ, हम बनाएंगे एक ट्राइंगल ट्राइंगल बनाने के लिए आप आ, बहुत आसान है ट्राइंगल बनाना आप स्केल लीजिए और आपने एक स्केल लिया आपने पहले एक रेखा ऐसे खींची फिर आपने एक रेखा ऐसे खींची आपने एक रेखा ऐसे खींची ये क्या हो गया ट्राइंगल ट्राइंगल अब ट्राइंगल हमारा बन गया ट्राइंगल बनाने के बाद बनाएंगे हम दो छोटे छोटे से सर्कल एक सर्कल ये बना एक सर्कल ये बना समझ में आ रहा है क्या बन रहा है तनवी हाँ आंखें आंखें भी बनाएंगे आंखें भी बनाएंगे अब पहले उसका पेट बना ले का। हाँ, हाँ दूध पी पी के और चीज़ें खा खा के मोटा हो गया है जी। तो हमने बनाया एक यूं शाबाश मोटा सा पेट फिर हम लेंगे इरेजर इरेजर से नीचे का ये हिस्सा हमने इरेज कर दिया और हमने ये इरेज कर दिया जब हमने ये इरेज कर दिया तो अब आप देखो ये क्या लग रहा है कुछ कुछ लग रहा है आपको अब लग रहा है ये कुछ कुछ चूहा हाँ अभी इसके बनाएंगे हम दो छोटे छोटे से ये हमने बनाए पैर ये बनाए उसके दो छोटे छोटे से हाथ एक बना दी हमने ये इसकी दुम अब इसे थोड़ा सा कलर कर लिया जाए जी तो लेट्स कलर दिस लिटिल चूहा इसके कान हम चलो नीले रंग के कान बना देते हैं हुँ. तो हमने नीले रंग के फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से ये जितने दोनों गोले हैं अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप इसके कान बना सकते हैं आप चाहें तो कान लाल रंग के बना दीजिए मैंने तो नीले रंग के कान मुझे नीला रंग पसंद है तो मैंने नीले रंग के कान बना दिए एक कान बन गया अब बनेगा ये दूसरा कान दूसरा कान ये इसका बन गया अब बताओ इसका मुंह किस रंग का बनाए हम मुंह येलो येलो रंग का या ग्रीन ग्रीन बनाते हैं चलो जी सो so, हमने बनाया ग्रीन रंग का इसका मुंह ओके सो आपके आपका फेवरेट कलर आप ले सकते हैं जो भी कलर आपको पसंद है तनवीर जी को पसंद था हरा रंग हुँ। तो हमने हरे रंग का फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से जैसा आपको कलर करना है जो आपका दिल करे वैसा आप कलर कर सकते हो इसको और आपने ये बना दिया शाबाश ये बन गया इसका मुंह अब बताओ इसका पेट किसका रंग का रंग का बनाए येलो येलो चलिए ये हमने इसका पेट बना दिया मैम ये तो हमने कलरफुल चूहा बनाया बना रहे हैं पर असल जिंदगी में जो चूहा होता है वो कौन से कलर का होता है मैंने तो काले रंग के चूहे देखे हैं और मैंने जो एनिमेशंस देखी हैं जो टीवी पर कार्टून फिल्में देखी हैं उसमें मैंने सफेद रंग के चूहे भी देखे हैं तुमने कभी सफेद रंग का चूहा देखा है मैम नहीं टीवी में ही देखा है पर मैंने ग्रे रंग का देखा है चूहा ग्रे रंग का जैसे मेरे मेरी उंगली में था ग्रे रंग वाला ऐसा चूहा देखा होगा आपने ये हाँ जी ये वाला चूहा इस रंग का देखा होगा आपने। ये चूहा <laughs> <देखा> है <laughs> अब हमारा चूहा थोड़ा सा तो अलग है बिल्कुल अब आपके पास ब्लैक मार्कर या स्केच पेन होगा तो हम इसकी जो हमने कान बनाए हैं उसको हमने आउटलाइन कर दिया हमने इसको आउटलाइन कर दिया हमने यू यू यू, यू ओ, इसका ये मोटा सा पेट बनाया उसको हमने आउटलाइन कर दिया इसके जो हमने पैर बनाए हैं, उसे हमने आउटलाइन कर दिया अब कुछ कमी लग रही है तुम्हें सब कुछ तो हमने कर लिया कुछ कमी लग रही है मैम आँखें। ओ यस हमारे पास है गूगली आईज गुग्ली तो हम आईज। इसके लिए लगाएंगे हमारे चूहे को कुछ गूगली आइज ये बाज़ार में उपलब्ध होती है नहीं तो आप बना भी सकते हैं ये देखिए हमारे चूहे की एक आंख आ गई अब हमारे चूहे की ये दोनों आंखें आ गई तो इस तरीके से देखिए हमने तीन शेप इस्तेमाल की हमने ट्राइंगल और एक ट्राइंगल तीन सर्कल से हमने बना लिया ये छोटा सा चूहा जो नटखट भी है ये तो मैम बहुत ही क्यूट चूहा है बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमारे बच्चे हैं हाँ बिल्कुल और कहानी में आप सोच के देखो यही चूहा बेचारा अपनी दुम के लिए कितना परेशान और कहाँ दूर 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 वो भाग कर जाता है सो इट्स अ फन एक्टिविटी दैट यू ऑल कैन डू एट होम सो यू लर्न टू शेप्स इन दिस विच आर टू सर्कल्स एंड आर ट्राइंगल और कहानी का मजा तो है ही एक प्रॉमिस सभी सुनने वाले बच्चे करेंगे वो प्रॉमिस है ये कि आप ये कहानी कम से कम अपने दो फ्रेंड्स को तो सुनाएंगे तो इतना तो कर ही सकते हैं ना बिल्कुल मैम जस्ट टू फ्रेंड्स हैव टू फ्रेंड्स एंड टेल दिस स्टोरी सो आई यू सीन दैट दे है ट्राई यहाँ पर आप इमिटेट ना करें अपने मन से जैसी आपको आवाज निकालनी है वैसे आवाज निकालें इमोशंस के साथ ड्रामा के साथ अलग अलग पपट इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने तो ये चूहे का हेड गियर बनाया था चूहे के दो कान जो कभी कभी टेढ़े हो जाते हैं तो ये पीछे बिगड़ जाते हैं सो so, चूहे के कान बना कर भी आप कहानी यूँ सुना सकते हैं सो so, ये हो गया आप चूहा चूहे की दुम बना सकते हैं और आ, अपने दोस्तों के साथ आप इस पर रोल प्ले भी कर सकते हैं अब समर्स हैं छुट्टियां हैं तो घर पे आपके पास करने के लिए खेल तमाशे तो हैं और कहानी से बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है बिल्कुल मैम बच्चों के पास टाइम है क्रिएटिविटी है इनोवेटिव है और क्या चाहिए बिल्कुल मैम हम आपसे एक सवाल और पूछना आप मुझे जयश्री कह सकते हैं <laughs> जी Um, जैसे कि मैम हमने कहा कि स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट और ये आपने बताया कि ये सभी में होती है सभी में, में होती है सभी hmm. तो, um, में होती है तो स्टोरीज में अक्सर ऐसा होता है कि uh, हम पढ़ने के बाद बोलते हैं इज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी से हमने ये सीखा hmm. ये अच्छी आदत सीखी hmm. या ये uh, एक मैसेज सीखा hmm. क्या ये पॉसिबल है कि सब कहानियों का मॉरल होता ही होता है यहाँ पर काफ़ी विवाद भी रहता है और उस पर अलग अलग पर्सपेक्टिव भी होते हैं आ, कभी भी आप किसी एक कहानी से एक चीज़ नहीं सीख सकते हैं ये डिपेंड करता है कि सुनने वाला उसे किस तरह से सुन रहा है किस अपनी किस सच्चाई किस रियलिटी से उसे, उसे कनेक्ट कर रहा है और उससे क्या वो लर्निंग ले रहा है अगर हम मॉरल का या वैल्यू का बोझ बच्चों के ऊपर डाल दें तो कहानी सुनने का मज़ा चला जाता है पर हाँ अगर कोई स्टोरी टेलर या फैसिलिटेटर चाहता ही है कि बच्चा कोई नई कहानी से कुछ सीखे ज़रूर कोई टेक अवे ज़रूर हो तो वो बातचीत के ज़रिए एक्टिविटीज़ के ज़रिए खेल के ज़रिए बच्चे तक पहुँचा सकते हैं पर ये आप जरूर मानेंगी और ये आप को आज़मा कर देखिएगा कि हर कहानी के अंदर कोई ना कोई परिस्थिति है और उस परिस्थिति से निकलने का एक उपाय है और वो परिस्थिति रिलेटेबल अगर होती है तो आप उसे जोड़ते हैं अपने साथ हुए किसी इंसिडेंट से अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था अब जो सोल्यूशन कहानी के अंदर दिया हुआ है आपको लगता है हाँ मैं ऐसा कर सकता था yeah. ये भी एक तरीका हो सकता है उस प्रॉब्लम उस समस्या से जूझने का या जिंदगी का कोई गुरु मंत्र सीखने का तो आई नेवर से दैट इस कहानी से हमने क्या सीखा इस कहानी का मॉरल क्या है आई ऑलवेज़ हैव एन इंटरेक्शन और डिस्कशन विद माय चिल्ड्रन एंड उनके साथ बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं जो आप सोच भी नहीं गए हैं अपनी कक्षा में या आप कहानी के कमरे में आ, वो चीज़ें भी बच्चों बच्चे आपको आकर बताते हैं और स्टोरी टेलर या टीचर या अभिभावक बहुत कुछ उनसे सीख लेता है आज की कहानी की बात करें अगर आप एजुकेशन की दृष्टि से तनवी बात करती हैं तो हम शेप्स की बात करते हैं हमने जो कहानी के बाद हमने दो शेप्स हमने ली सर्कल और ट्रायंगल। इन दो शेप्स को मिलाकर हमने एक चूहा बना दिया तो एक तो फन एक्टिविटी थी पर दो शेप्स बच्चे ने सीखी कहानी की आप बात करें तो कहानी में हमने चार प्रोफेशंस के बारे में सीखा कौन सीखा नहीं तो जाना याद किया कि अच्छा टेलर है मिल्कमैन है आ, बेकर है और पोस्टमैन है तो हिंदी में भी हमने इनके नाम जाने डाकिया दर्जी दूध वाला और आ, केक बनाने वाला तो इस तरीके से वो भी एक लर्निंग है hmm. प्लस एक लर्निंग है डर के आगे जीत है अगर आप कोशिश करते हैं किसी काम को करने की बेशक उसका रास्ता बड़ा कठिन और लंबा होता है आपको कई सारे हर्डल्स पार करने होते हैं बट इफ़ यू हैव दैट स्ट्रोंग विल इन योर हार्ट नो मैटर वॉट कम्स योर वे यू गेट इट सो इट डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटेटर और द टेलर कि वो किस तरह से कहानी का कौन सा जो अधिगम है सीखने का कौन सा प्रतिफल वो बच्चों तक लेकर जाता है तो आज ये जो कहानी थी ये जो भी तामझाम था या जो भी हमारे पास सामान था वो हमारे नन्हे दर्शकों के लिए था कि वो कहानी का पूरा लुत्फ उठाएं और अगर कोई अभिभावक या कोई टीचर इसे देखता है सुनता है तो वो अपने काम की बात पकड़ना चाहे तो पकड़ ही सकता है <laughs> मुझे लगता है इस कहानी का लुत्फ सिर्फ मैंने आपने नहीं उठाया हर एक व्यूअर ने उठाया है जिन्होंने इस वक्त हमें दिखा है और मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि अगर आपने प्रोग्राम मिस कर दिया है किसी भी रीज़न की वजह से तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं एन सी आर टी ऑफिशल हमारा यूट्यूब चैनल है ये प्रोग्राम वहाँ पर रहेगा अपलोडेड बहुत समय तक तो आप जब चाहे देख सकते हैं जहाँ चाहे देख सकते हैं नाम बेहद धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इट वज सच एन इंट्रस्टिंग सेशन और जिस तरह से आपने कहानी सुनाई अरे मज़ा ही आ गया मुझे बहुत मजा आया सुनने वालों का तो आ, मैं कह नहीं सकती पर जब कहानी को सुनाने में मुझे मजा आता है जब मेरा दिल बल्ली उछलता है hmm. उस दिन मुझे लगता है कि येस आई डिड माई जॉब यू डिड योर जॉब एज वंडरफुली एज यू थैंक यू मच थैंक यू टू ऑल द चिल्ड्रन फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम बहुत ही अच्छी कहानी थी और स्टोरी टेलिंग श्योरली इज एन आर्ट आप भी सीखना चाहते हैं तो मैम से कुछ सीख सकते हैं ये सेशन आप देख सकते हैं एन सी आर टी ऑफिशियल पर और कल भी हम इस सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर आएंगे जहां हम डिस्कस करेंगे लाइफ जर्नी ऑफ एन एथलीट और हमारी मेहमान होंगी मिस शैली सिंह तो इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा और एन सी ऑफिशियल पर देख सकते हैं ई विद्या चैनल्स पर देख सकते हैं बहुत सारे माध्यम हैं जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम का भाग बन सकते हैं और जाने से पहले हम आपको एक सूचना ज़रूर देना चाहेंगे एन की जो किताबें हैं बच्चों के लिए नए अकाडमिक सेशन के लिए दो हज़ार की वो भी अब आप, आप खरीद सकते हैं पूरे देश में अवेलेबल है सेल्स काउंटर्स हैं डायरेक्टली आप वहाँ से खरीद सकते हैं सुबह साढ़े नौ बजे से छः बजे तक वो काउंटर्स ओपन रहेंगे और चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो कोई भी छुट्टी हो आप वहाँ जा सकते हैं और ये जो सेल्स काउंटर हैं वो उपलब्ध है नई दिल्ली में बेंगलुरु में अहमदाबाद में गुवाहाटी और कोलकाता में इसके अलावा अगर आप इन्हीं बुक्स का ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं एन सी .ncrt है हमारी वेबसाइट आप ऑर्डर प्लेस कीजिए आपके घर तक किताबें पहुँच जाएंगी और आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है अगर आपको इन्हीं किताबों को पी डी एफ़ वर्जन में डाउनलोड करना है आप वो भी कर सकते हैं एन सी आर टी दीक्षा या ई पाठशाला की वेबसाइट या फिर उनके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से और अगर आप हमारे ऑथराइज वेंडर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एन सी आर टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन हमारी वेबसाइट है बहुत सारी जानकारी है अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया हो तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त टिकर के फॉर्म में फ्लैश हो रही है आप उसे पढ़ सकते हैं मैं हूँ तानवी खुराना और मुझे दीजिए इजाज़त थोड़ी देर में हाजिर होगा हमारा एक खास कार्यक्रम टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम ठीक बारह बजे तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सवाल तैयार रखिएगा आई होप यू हैव अ नाइस स्टेहड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ नमस्कार